दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रोजेक्ट। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे में जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करिए, और पास में जो बेल वाला आइकन है उसे भी क्लिक करिए, ऐसे ही नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अमेजिंग प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ अरिजीत। मैं आज आपको सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जो है एक LDR का लेस सिक्योरिटी सिस्टम सर्किट। तो ये लेस सिक्योरिटी सिस्टम सर्किट क्या है मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, आप हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको कोई भी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो है एक LED। आप चाहे तो इस काम के लिए लेजर लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमको चाहिए एक LDR। LDR का मतलब लाइट डिपेंडेबल रेजिस्टेंस। उसके बाद हमको चाहिए एक BC5% ट्रांजिस्टर, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हमको चाहिए एक 330 ओम की रेजिस्टेंस। आप चाहे तो 470 ओम की रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हमको चाहिए एक 220 ओम की रेजिस्टेंस। उसके बाद चाहिए एक 12 वोल्ट का रिले। रिले में 5 पॉइंट होता है, एक साइड में 3 पॉइंट और दूसरे साइड में 2 पॉइंट। तो ये सब पॉइंट की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। तो पहले हम ये BC5407 को स्टैंड के साथ लगा लेते हैं। BC5407 एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसका फर्स्ट पॉइंट एमिटर, दूसरा पॉइंट बेस और तीसरा पॉइंट कलेक्टर है। सॉरी फ्रेंड, इसका फर्स्ट पॉइंट कलेक्टर है, दूसरा पॉइंट बेस और तीसरा पॉइंट एमिटर है। उसके बाद हम LED को सोल्डर कर लेंगे। LED का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम 547 के जो कलेक्टर पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे, और पॉजिटिव पॉइंट का हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो LDR है, LDR को लेंगे और LDR को हम बेस पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेंगे BC547 के। उसके बाद हमारा जो 220 ओम के रेजिस्टेंस है उसको लेंगे, और इसको हम जो LDR है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे, और जो LED है और LED का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। हाँ, चाहे तो 100 ओम भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 1K भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, चाहे तो लेज़र लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 330 ओम के रेजिस्टेंस है उसको लेंगे, और उसके एक पॉइंट को हम 547 के एमिटर पॉइंट के सोल्डर कर लेंगे, और दूसरे पॉइंट को हम 547 के जो बेस पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा सर्किट रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको एक बार गौर से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये LED और ये जो LDR है उसको हम फोकस में कर लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड ऐसे। तो इस काम के लिए हम 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे। 12 वोल्ट पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम LDR के साथ सोल्डर कर लेंगे, LDR के इस पॉइंट के साथ, और 12 वोल्ट पावर सप्लाई का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम जो 547 के जो एमिटर पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। तो हमारे सर्किट में 12 वोल्ट पावर सप्लाई का इनपुट हो गया। तो चलिए इस सर्किट को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। आप इस काम के लिए लेजर लाइट का यूज़ कीजिए, तो आपका जो लेजर लाइट और जो LDR है उसके मीडियम में जो डिस्टेंस है आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये LDR और LED के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट गया तो ये सर्किट एक बार ऑफ हो गया तो फिर से ऑन नहीं होगा, यही होता है लेस सिक्योरिटी सिस्टम। आप इसको किसी भी जगह में सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस सर्किट में जो हमारा 12 वोल्ट का जो रिले था उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। 12 वोल्ट रिले का जो कॉइल पॉइंट है उस कॉइल पॉइंट के एक पॉइंट को हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे, और कॉइल का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम जो BC5407 है उसके जो कलेक्टर पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। उसके बाद हम बजर को लेंगे, और बजर के जो नेगेटिव पॉइंट है
उसको हम डायरी जो BC547 के जो इमिटर पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। और बजर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम जो 12 वोल्ट का रिले का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। आप 12 वोल्ट नॉर्मली का जो क्लोज पॉइंट है उसके साथ ही सोल्डर कीजिए। और वायर को 12 वोल्ट रिले का जो कॉमन पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। और दूसरे पॉइंट को हम जो 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ सोल्डर कर लेंगे। 12 वोल्ट का जो पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है उसके साथ। तो फ्रेंड हम ये सर्किट बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए इस सर्किट को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.